भ्रष्टाचार का एक ही काल। ये ईडी और सीबीआई का ताना बाना इसलिए नहीं बुना गया कि कोई बेईमानी हो गई है, ये ईडी और सीबीआई का ताना बाना इसलिए बुना गया है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसी चाय के ढाबे पे भी रुके हुए 10 लोगों से बात करोगे कि केजरीवाल कौन है जानते हो, बोले यार वो दिल्ली में काम बड़ा शानदार कर रहे हैं और काम तो कर ही रहा है, ईमानदारी से कर रहा है। केजरीवाल जी का नाम आज ईमानदारी का प्रतीक बन गया पूरे देश में और भारतीय जनता पार्टी इतनी अपने आप को कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद एक राज्य में एक उदाहरण नहीं पेश कर पाई कि उस राज्य में काम ईमानदारी से हो रहा है और काम हो रहा है। उस छवि को बिगाड़ने के लिए ये सारा षड्यंत्र सारे कुचक्र रचे जा रहे हैं, उस अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी की छवि को बिगाड़ने के लिए। लेकिन जनता जानती है, जनता के दिल के दरवाजे खुले हुए हैं। आप जेल के दरवाजे बंद कर सकते हो लेकिन जनता के दिल के दरवाजे बंद नहीं कर सकते। जनता के दिलों में आज भी वही नारा गूंज रहा है पिछले 10 साल से, बताइए क्या, भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल। और जिनका जिक्र अभी संजय भाई ने किया कि इधर उधर जितने भ्रष्टाचारी थे सबको इकट्ठा करके भारतीय जनता पार्टी बना ली और भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी कर ली, उनको भी कहना चाहता हूं कि आपका काल अभी जेल में है लेकिन ज्यादा दिन तक जेल में नहीं रख पाओगे, आपका काल बाहर आएगा। 17 महीने ये आंसुओं, इन आंसुओं ने मुझे ताकत दी है 17 महीने जेल में। मैं जब राजघाट पे आपसे बात करके गया था तो कह के गया था शायद 7-8 महीने लगेंगे, मुझे उम्मीद थी कि 7-8 महीने में न्याय मिल जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, 17 महीने लग गए, 17 महीने लग गए, लेकिन जीत सच्चाई की हुई है, जीत ईमानदारी की हुई है। इसीलिए कहते हैं कि भगवान के घर पे देर है लेकिन अंधेर नहीं है, भगवान के घर पे देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती है। इनकी तो बड़ी कोशिशें करी इन्होंने, संजय भाई के ऊपर, मेरे ऊपर, अरविंद जी के ऊपर, पार्टी के और नेताओं के ऊपर, देश के सख्त से सख्त कानूनों की सख्त से सख्त धाराएं लगा के इनको बंद कर दो झूठे सच्चे केस में, और ऐसी ऐसी धाराएं लगा दो जो दुनिया भर में आतंकवादियों के ऊपर लगाई जाती हैं, ऐसी ऐसी कानूनों की धाराएं लगा दो जो दुनिया में ड्रग माफिया के ऊपर लगाई जाती हैं, ऐसी ऐसी धाराएं लगा के इन्होंने सोचा इनको जेल में बंद कर दो तो जैसे आतंकवादी को जेल में डाल देते हैं तो सड़ता रहता है, जैसे ड्रग माफिया को जेल में डालते हैं तो दुनिया में सड़ता रहता है। इन्हें लगा अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को भी जेल में डालेंगे तो सड़ जाएंगे, लेकिन आपके आंसुओं की कीमत है ये, आपके आंसुओं की ताकत है ये कि जेल के ताले भी पिघल जाते हैं। एक ही चीज कहूंगा, कल सुबह मैं बैठा था कि सारी दुनिया की सारी बुरी ताकतें भी इकट्ठी हो जाए ना तो जो सच्चाई के रास्ते पे चलता है उसका साथ भगवान देता है, उसका साथ भगवान जरूर देता है। और ये आज बजरंग बली की कृपा है कि 17 महीने बाद सही लेकिन मैं आपके बीच हूँ। और अभी गया मैं बजरंग बली के मंदिर में, पंडित जी ने आशीर्वाद दिया, वहां जो पंडित जी मौजूद होते हैं वही बजरंग बली जी के वाणी बोल रहे होते हैं, उन्होंने बजरंग बली जी की वाणी से आशीर्वाद दिया कि विजयी भव, सफल भव। मैंने कहा जी एक ही सफलता का मंत्र है, दिल्ली के एक एक बच्चे के लिए शानदार स्कूल बना के देने हैं, यही हमारी सफलता है। और इसके लिए मैं कल से कह रहा था अपने साथियों से, हम तो रथ के घोड़े हैं, हमारा असली सारथी अभी जेल में बंद है, वो भी बाहर आ जाएगा, फिर उसके बाद हमको तो जहां हकेंगे हम हकेंगे, लेकिन हमारा असली सारथी अभी जेल में बंद है और जेल के ताले टूटेंगे, बहुत जल्दी छूट के आ जाएंगे। बहुत कृपा है अरविंद जी के ऊपर बजरंग बली की, आपको याद है ना लंबे समय से बहुत सारे लोग साथ हैं, कितने शुगर का पेशेंट होने के बावजूद कितना लंबा फास्ट किया केवल बजरंग बली जी की कृपा से, तमाम तरह के आरोप, इतने आरोप लगाए झूठे बच गए, निकल के आ गए केवल अरविंद जी बजरंग बली जी की कृपा से। और मैं समझता हूं भगवान की कृपा, बजरंग बली जी की कृपा हम पर कल हुई बाबा साहब के दिए हुए संविधान की बदौलत। बाबा साहब ने 75 साल पहले अंदाजा लगा लिया था कि कभी कभी ऐसा भी होगा, हम लोकतंत्र का संविधान बना रहे हैं लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा कि इस देश में तानाशाही ताकतें आके आतंकवादियों और ड्रग माफियाओं पर लगाए जाने वाले कानून को आम आदमी के ऊपर लगाएंगे, व्यापारियों के ऊपर लगाएंगे, विपक्षियों के ऊपर लगाएंगे, तो उस वक्त उन व्यापारियों को, उन आम आदमियों को, उन विपक्षियों को कौन बचाएगा? तो बाबा साहब ने पहले ही लाइन जोड़ दी थी, संविधान बचाएगा, यही भगवान की कृपा है। कौन बचाएगा उनको जब तानाशाह सरकार अपना जुल्म करेगी, एजेंसियों का दुरुपयोग, कानूनों का दुरुपयोग करेगी, जेलों का दुरुपयोग करेगी, तो कौन बचाएगा? 75 साल पहले उस महान शख्सियत ने लिख दिया था कि मैं ऐसा संविधान दे रहा हूं कि तुमको संविधान बचाएगा। आज हम संविधान के बदौलत खड़े, संविधान की ताकत से यहां पे खड़े हैं।
आज मैं शुक्रगुजार हूं देश के संविधान का, बाबा साहब का, और साथ साथ बहुत विनम्र निवेदन के साथ में माननीय सुप्रीम कोर्ट का, बहुत विनम्र सम्मान के साथ में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की दी हुई ताकत का इस्तेमाल करते हुए कल तानाशाही को कुचला, तानाशाही को कल गलत ठहराया। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ में बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूं उन वकीलों का जो पिछले 1.5 साल से, 17-18 महीने से, और बल्कि उससे पहले से भी पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं जेल में बैठा था, आप लोग आंदोलन कर रहे थे, अरविंद जी जेल में बैठे हैं, आप लोग यहां सड़कों पर डंडे खा रहे हैं, लेकिन वो वकील इधर से उधर धक्के खा रहे हैं, एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट धक्के खा रहे हैं, एक कागज से दूसरे कागज में डाल रहे हैं, इनकी एक एक साजिशों का, इनकी एक एक चालबाजियों का, इनकी एक एक तिरड़ों का जवाब दे रहे हैं अदालतों में खड़े होकर, इनके एक झूठ का पर्दाफाश कर रहे हैं। मेरे लिए तो मैंने कल भी कहा था, भगवान स्वरूप है, किसी भी जेल में बंद होने वाले एक व्यक्ति के लिए तो वकील भगवान स्वरूप होता है, और मेरे लिए तो सिंह भी साहब वाकई भगवान स्वरूप है, अभिषेक मनु सिंह जी, जिन्होंने इस पूरी कानूनी लड़ाई को इस अंजाम तक पहुंचाया, और जल्द ही अरविंद जी को भी बाहर लेके आएंगे। जिस मिट्टी पे गांधी ने गोली खाई थी, जिस मिट्टी पे भगत सिंह के पसीने की बूंदें गिरी हुई हैं, जिस मिट्टी पे खड़े होके बाबा साहब ने तुम्हारी जैसी लोगों की ताकतों के, उस वक्त की ताकतों के जुल्म झेले थे, उस मिट्टी से ये बने हुए हैं, इनको तुम्हारी तोता मैना क्या तोड़ पाएंगे, ये तुम्हारे सीबीआई और ईडी क्या तोड़ पाएंगे, इनको नहीं टूटे लोग। और मैं जेल में बैठा बैठा दुआएं करता रहा और सलाम करता रहा अपने एक एक साथी को कि ये है अरविंद केजरीवाल की मुट्ठी, ये है अरविंद केजरीवाल की फैमिली, ये है अरविंद केजरीवाल का कुनबा, जिसकी एक उंगली को भी हिम्मत से हिला नहीं पा रहे हो तुम लोग। वाह, फक्र था मुझे सब। आपने कहा ना कि आप आंसू बहाते थे बाहर, मैं कहता हूं मैं फक्र से सीना चौड़ा करके उस जेल की कोठरी में बैठा होता था अपने एक एक भाई के ऊपर, एक एक बहन के ऊपर। ये मेरी ताकत थी,